दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल हेल्थ फिटनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं नार्टीजेट टेबलेट के बारे में। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बातें करके देंगे, तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिए, तभी आपको नार्टीजेट टेबलेट के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाएगी कि ये टेबलेट किस में काम आता है, हम किस में प्रयोग कर सकते हैं और इसका साइड इफेक्ट क्या है और इसको हम यूज किस तरीके से कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों आप बने रहिए। इससे पहले अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा तो आप जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नार्टीजेट टेबलेट के बारे में। नार्टीजेट टेबलेट यह एंटीबायोटिक है। यह दो दवाओं से मिलकर बना हुआ है, नारफ्लॉक्सासिन और ट्रिनिंडाजोल इसमें मिलाया गया है और यह मार्केट में आपको हर जगह मिल जाएगी। और आप जब भी इस दवा का आप लें तो सबसे पहले इसका एक्सपायरी डेट आप देख के लें। और यह 6 टेबलेट का भी स्ट्रिप आता है और 10 टेबलेट का भी स्ट्रिप आता है। यह एक जेनरिक दवा है, इसको हर एक मेडिकल स्टोर पे आप बहुत ही आसानी से नार्टीजेट टेबलेट को ले सकते हैं। आइए जानते हैं यह किस में काम आता है। यह दो एंटीबायोटिक दवाओं से मिलकर बना है जो डायरिया, दस्त और पेचिस के इलाज में उपयोग किया जाता है। यह संक्रमण के इलाज के लिए सूक्ष्म जीवों को मारता है, जैसे पेट में संक्रमण हो, उदर के संक्रमण हो, जीवाणु संक्रमण हो, योनिया पेट में संक्रमण हो, तो वहाँ पे यह टेबलेट काम करता है। अगर कोई भी इंसान दस्त से ज़्यादातर पीड़ित है तो वह एक टेबलेट इसको ले सकता है। और जब भी आप इस टेबलेट को लें तो अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। इस टेबलेट को नार्टीजेट टेबलेट को आप बच्चों से हमेशा दूरी बना के रखें, क्योंकि यह टेबलेट बच्चों में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप बच्चों में प्रयोग करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के संपर्क के अनुसार इस टेबलेट का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है आइए जानते हैं। इसका प्रयोग खाना खाने के बाद एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को डॉक्टर के अनुसार इस टेबलेट को आप ले सकते हैं। इसको उपयोग करने से इसका साइड इफेक्ट क्या होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले इस टेबलेट का कोई भी ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी अगर ये कंडीशन होता है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, जैसे खुजली, उल्टी होना, मुंह में छाले पड़ना, गुदा या मलाशय में दर्द होना, मतली आना। इस तरीके से इसका अगर साइड इफेक्ट हो रहा है तो इस दवा का प्रयोग ना करें और डॉक्टर से तत्काल संपर्क करें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारे न्यू वीडियो की अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।